और अब खबर गोरखपुर से, जहां पर डॉक्टर कफील खान के भाई पर जानलेवा हमला हुआ है। बाइक सवार बदमाशों ने कासिफ जमील को 3 गोलियां मारी हैं। आपको बता दें बीआरडी ऑक्सीजन कांड में आरोपी है डॉक्टर कफील खान और अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कासिफ जमील की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है और उनका इलाज जारी है। तो मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के गोरखनाथ पुल के पास की पूरी घटना है। तो बड़ी खबर इस वक्त की गोरखपुर से बता रहे हैं आपको। गोलियां लगी हैं, बता रहे हैं 3 गोलियां लगी हैं, फिलहाल ठीक हैं, अब उनका लिमिट को लेकर ले जाया जा रहा है। ये नहीं बताया कि मतलब कब हुआ, कैसे हुआ, किसने मारा? ये लगभग 10:30 बजे 10:35 मिनट की घटना है। ये हुमायूंपुर से, वहाँ गोरखनाथ से आ रहे थे, हुमायूंपुर उत्तरी जब आए हैं तो डॉक्टर अनूप वाली गली में ही जो है घटना हुई है। ये बता पाए कि किसी रंजिश से या ऐसे? ये अभी कुछ बता नहीं रहे हैं, कारण नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये रंजिश दुश्मनी की बात बता रहे हैं कि दो लोगों को बता रहे हैं दुश्मनी। अभी कई बताएंगे बाद में, अभी इन्होंने कोई तहरीर नहीं दी, अभी तहरीर नहीं दिया है, नहीं कोई तहरीर नहीं। अभी मैंने कहा तहरीर दे, जैसे देखें तो उसे कार्रवाई हो रही। पूरी खबर गोरखपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर डॉक्टर कफील खान के भाई पर जानलेवा हमला हुआ है। इसी खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हरेंद्र जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, इस वक्त क्या स्थिति बताई जा रही है उनकी? आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ गोरखपुर 2 दिवसीय दौरे पर आए हुए। आज उनका दूसरा दिन है, रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में किया है। आज सुबह 9:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक उनका जनता दर्शन का कार्यक्रम लगाया गया है। उसके बाद अभी जो बीजेपी का एक मुहिम चलाई जा रही है संपर्क फॉर्म, तो पूरा मामला गोरखपुर का है और यहां पर बीआरडी ऑक्सीजन कांड के मामले में जो डॉक्टर फंसे हुए थे उनके भाई पर जानलेवा हमला किया है। आपको बता दें कासिफ जमील की हालत गंभीर बताई जा रही है और इस वक्त उनका इलाज जारी है। तो मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कोतवाली थाना क्षेत्र के गोरखनाथ पुल के पास की ये पूरी घटना है। तो अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि हालत इस वक्त नाजुक बनी हुई है। तो साथ ही पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन किसने गोली मारी है और किस कारणवश मारी है वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है।